बिल कहने पर कहा कि उनके बोलने से महिलाएं बेवकूफ नहीं बनेंगी। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आज महिला बिल पर चर्चा होनी है, किस तरीके से देखते हैं सरकार के इस कदम को? देखिए आदरणीय मोदी जी, सब व्यवस्थाएं देख चुके हैं और ये बिल हमारे प्रचंड बहुमत है और राज्यसभा में हमारा कोई बिल आज तक हारा नहीं है, तो निश्चित रूप से कल ये बिल दोनों सदनों कल तक पास हो जाएगा और ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। मैं कहती हूँ इससे लीप, इतनी बड़ी छलांग महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में है कि उससे सभी महिलाएं प्रफुल्लित हैं। देखिए सामाजिक स्तर पर महिलाओं के लिए अनेक कार्यक्रम मोदी जी ने दिए, गरीबी हटाने के लिए उन्होंने न जाने महिलाओं को मध्य में रखकर प्रयास किया। G20 की जब उनकी अध्यक्षता आई तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो हम विमेन सेंट्रिक पॉलिसीज लाते थे, महिला को केंद्रित करके हम नीतियां बनाते थे, अब हम महिलाओं को अग्रणी रखकर विकास के कार्यक्रम करेंगे और उन्होंने कितना यथार्थ उसको कितना शीघ्र यथार्थ करने का प्रयास किया है। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि महिला बेवकूफ बनाओ ये बिल है, इसके अलावा विपक्ष का कहना है कि इस बिल का जो है महिलाओं से लेना देना नहीं है, कहीं ना कहीं चुनाव को देकर सरकार ये कदम उठा रही है। देखिए 75 वर्ष हो गए भारत को आजाद हुए, 27 वर्षों से तो लगातार सदन में इस पे चर्चा हो रही है, उसके पहले 40 साल मैं महिला आंदोलन से उभरी हूँ और हम महिलाएं लगभग 40 वर्षों से ये कह रहे हैं कि भाई लेवल फील्ड ग्राउंड होना चाहिए, एक सामान्य स्तर पर हमारा हमारे चुनाव हो, हम पुरुषों से उनकी सीटों पे नहीं लड़ पाते हैं, तो इस प्रकार का बयान इससे बड़ा मूर्खता का बयान नहीं हो सकता।